ये कॉलोनी सीसीएल परेज प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत आता है, और जब से यहाँ कॉलोनी बसी है यहाँ से कचरा इतना आता है, प्लास्टिक वगैरह शीशा वो सब इतना नाली के द्वारा इधर आता है कि सीधा खेत में गिरता है, और इससे बहुत हानि हो होता है क्योंकि जब हल जोतते हैं उस टाइम कांच का सामना करना पड़ता है, पैर कट जाते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वच्छ मन का निवास होता है। स्वस्थता हर व्यक्ति को भाता है, लेकिन सिर्फ अपनी स्वस्थता को ध्यान में रखना और अन्य व्यक्तियों के स्वस्थता को नज़रअंदाज करना ये उस बात के समान प्रतीत होता है जैसे अपना आंगन झाड़ू करके कचरा दूसरों के आंगन में फेंक देना। मैं बसंती सोरेन और ये है मेरा आदिवासी संथाल समुदाय। खेती बाड़ी का दिन खत्म हो जाता है तो हम लोग गाय सबको छोड़ देते हैं, तो गाय सबको क्या क्या मिल जाता है प्लास्टिक में, वो सब प्लास्टिक सहित ही खा जाती है, और प्लास्टिक खाने से कुछ ही दिन में उसका पेट फूल जाता है और मर जाती है। अभी हम लोग का गांव में लगभग जितना गाय सब थी अभी नहीं के बराबर है, अभी बहुत कम है। जहां हम देखें कि शुरू में हम लोग का गाय सब का संख्या 20-25 था, अभी हम लोग का गाय सब एक भी नहीं है, केवल 2 बैल हैं वो भी नया से खरीदे हैं। यही हाल पूरे गांव का है। इसके लिए हम लोग एकजुट होने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है। अदो ओना लहारे आपे नली बापे सफा कदा लहारे मि सारे आले सफा लेदा इन कते आरो एटा से आरो नली सुजी आ लिया। अतो नोरे तिना खेत हेना तपे तिना होड़ा खेत हेना ना मेया पूरा दोहड़ रे आठ हिस्सेदार आठ हिस्सेदार नवा दो नली ले बिना चुकिया आड़े ते आजा के चलाता है आड़े ही दीजिए। मतलब ना तो सीसीएल सफाई जरूर कानते हैं उनिया ये कना है तो सफा में सफा है प्लास्टिक है सफा है कांच तो भाई सफा दाढ़ी है कांच में डूबू जाता है और वहाँ कचड़ा गंदा दा आई जुकन गुड़गारा बचिके याले। मतलब हर साल पे खेत पे सफाई दा हर साल पूरा कचड़ा तहन के ना वहाँ हर साल की नहीं रुकने जब शुरू दा आई जुकना उन रुकी पूरा कचड़ा तेरे के नहीं सफा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मेरे भी परिवार को उस समस्या का सामना करना पड़ रहा है जिन समस्याओं का सामना अन्य 8 परिवार के लोगों को करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूं कि प्रेम नगर कॉलोनी से जो कचरा आदिवासियों के खेतों में बहाया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। मैं जानती हूं उस समस्या का समाधान परियोजना पदाधिकारी कर सकते हैं। पूर्वी परेज परियोजना पदाधिकारी श्री नायक जी का फ़ोन नंबर है 8987784309। मैं आप सभी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि इस नंबर पर कॉल करके दबाव डालें ताकि आदिवासियों के ज़मीन पर जो प्रेमनगर कॉलोनी से कचरा बहाया जा रहा है उस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जा सके और आदिवासी कृषकों को खेती करते समय प्लास्टिक शीशा एवं अन्य जहरीले पदार्थों का सामना ना करना पड़े। मैं बसंती सोरेन प्रखंड मांडू जिला रामगढ़ झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।